आम आदमी पार्टी के विधायक करतार सिंह तंवर के दफ्तर और फार्म हाउस पर आईटी ने रेड डाली है। इनकम टैक्स ने यह छापेमारी आय से अधिक संपत्ति के मामले में शिकायत मिलने के बाद की। करतार सिंह सरकारी नौकरी से वीआरएस ले चुके हैं, ऐसे में उन पर प्रॉपर्टी के जरिए करोड़ों रुपए कमाने की शिकायत दी गई है। ये छापेमारी दिल्ली में 11 जगहों पर की गई। करतार सिंह तंवर की 20 कंपनियां हैं जो जांच के दायरे में हैं। इनकम टैक्स की रेड के बाद आप कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक और आम आदमी पार्टी के विधायक करतार सिंह तंवर के फार्म हाउस पर रेड हुई है। इस वक्त हम उसी फार्म हाउस के बाहर मौजूद हैं और यहां पर पुलिस का पहरा भी आप देख सकते हैं, किस तरीके से पुलिस बल मौजूद है। और साथ ही साथ जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। लगातार वो लोग इसी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार ये लोग नारे लगा रहे हैं। सुबह 7:15 बजे के आसपास इनकम टैक्स की यहाँ पर रेड पड़ी, वो इस तादाद में थे जैसे किसी आतंकवादी के ऊपर रेड डाली जाए। यहाँ के चलते हुए लोग जो वॉक करने वाले हैं, बाइक पे सवार है, उनकी चाबियां तक छीन ली उन लोगों ने। 7 बजे इन्होंने यहाँ पर ये रेड डाली है और 7:15 बजे में यहाँ पर आया था, तो उन्होंने लोगों को उस टाइम पे यहाँ तक पकड़ रखा था। लोगों के साथ बहुत ज्यादा धक्का मुक्की हो रही थी। इनकम टैक्स के जो अधिकारी है वो इस मामले में कुछ बोलेंगे, उन्हें क्या कुछ हासिल हुआ अंदर जाकर, रेड के बाद उन्हें अंदर क्या क्या चीजें मिली, ये तमाम चीजें आने वाले समय में साफ हो जाएंगी। कैमरा अश्विनी कुमार के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज। देश की सारी एजेंसीज, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, पुलिस, पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस, सब उन्होंने आम आदमी पार्टी के पीछे लगा रखी हैं। आईटी का रेड या बाकी चीजें जो है, जो गलत काम इन्होंने किए वो सरकार ने नहीं करवाए, वो काम इनके किए हुए हैं जो ये भुगत रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी सीधे सीधे केंद्र पर सवाल खड़े कर देती है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, कुछ और खबरों के साथ फौरन लौटते हैं।